हेलो रिवा, आज के इस लेक्चर में हमने विंटर 2023 के अटेम्प्ट सीफेप 1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की विंटर 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 कवर करना है। इस सवाल की बेसिकली दो पार्ट्स हैं और एक पार्ट की वेटेज है 8 मार्क्स, दूसरे पार्ट की वेटेज है 7 मार्क्स, तो इन टोटल 15 मार्क्स की वेटेज है इस सवाल की। रीड करते हैं सवाल को। रीड करने से पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट्स को रीड करता हूँ। तो कहता है डिस्कस हाउ द अबव इन्फॉर्मेशन वुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। हमारे पास एक कंपनी है टॉरस लिमिटेड जिसकी दो एडजस्टमेंट्स या दो ट्रांजेक्शन दी हुई है, जिसके हवाले से हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करना है कि किस तरह से इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट फॉर किया जाएगा। कहते हैं फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पर्टेन्स टू टॉरस लिमिटेड। ऑन 1 अक्टूबर 2023 कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू सप्लाई 180 यूनिट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल फॉर अ टोटल कंसीडरेशन ऑफ 360 मिलियन। द डिलीवरी एंड द बिलिंग शेड्यूल फॉर व्हीकल इज एज फॉलो। 1 अक्टूबर 2023 में हमारा एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें कस्टमर को 180 यूनिट सप्लाई करने स्पेशलाइज्ड व्हीकल के 360 मिलियन की कंसीडरेशन है। डिलीवरी और बिलिंग शेड्यूल को जिस तरह से 31 दिसंबर 2023 पे हम 50 यूनिट सप्लाई करेंगे, 2 मिलियन के हिसाब से हम 100 मिलियन रिसीव करेंगे। 31 मार्च 2024 पे हम 60 यूनिट सप्लाई करेंगे, 2 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से हम 120 मिलियन यूनिट रिकवर करेंगे। 30 जून 2024 में हम 70 यूनिट सप्लाई करेंगे, 2 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से हम 140 मिलियन यानी कि टोटलिटी 360 रिसीव कर लेंगे। कहते हैं कस्टमर इज पेड 20% ऑफ द कंसीडरेशन इन एडवांस, द रिमेनिंग 80% फॉर ईच लॉट विल बी पेड आफ्टर 15 डेज आफ्टर द डिलीवरी ऑफ ईच लॉट बट नॉट बिफोर। कस्टमर हमें 20% अपफ्रंट एडवांस पे करते हैं 360 का 20%, बाकी जो हर डिलीवरी के ऊपर अमाउंट है उसका 80% अमाउंट हमें डिलीवरी के 15 दिन के अंदर अंदर पे किया जाएगा। TL is entitled to an additional consideration of 54 million payable in advance, payable in August 2024 if all the delivery dates are met. It is highly probable that TL will achieve this. तो इसके अलावा हमें 54 मिलियन की एडिशनल कंसिडरेशन मिलेगी और ये अमाउंट मिलेगा हमें अगस्त 2024 में अगर हमने तीनों डिलीवरी डेट्स मीट कर ली, और हाईली प्रोबेबल है कि हम ये डिलीवरी डेट्स मीट कर जाएंगे। TL सेल्स टीम व्हिच वुड हैव बीन वर्किंग ऑन ऑब्टेनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ 2023 वाज रिवॉर्डेड विद अ बोनस ऑफ 21 मिलियन अपॉन सिक्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा हमारी सेल्स टीम जो कि 2023 के स्टार्ट से इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस क्लाइंट के ऊपर काम कर रही थी, उसे हमने 21 मिलियन का बोनस दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए। अब देखिए इन्होंने तुमसे सवाल में डिस्कशन मांगी, मैं डिस्कशन भी करूंगा, मैं इसका सजेस्टेड सोल्यूशन ही आपके साथ रीड और डिस्कस कर लूंगा, लेकिन हम एज अकाउंटेंट अगर इन सारी चीजों को थोड़ा जनरल एंट्रीज के थ्रू प्लॉट करने की कोशिश करें, लेकिन 360 मिलियन की तो कंसिडरेशन है जो कि फिक्स कंसिडरेशन है हर व्हीकल के अगेंस्ट 2 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन इसके अलावा 54 मिलियन की हमारे पास एक वेरिएबल कंसिडरेशन भी है जो कि डिलीवरी डेट्स की टाइमली फुलफिलमेंट पे हमें मिलेगी और हाईली प्रोबेबल है कि हम इसे हासिल कर लेंगे। तो अगर हम ट्रांजेक्शन प्राइस देखें तो हमारे पास ट्रांजेक्शन प्राइस के दो एलिमेंट्स हैं, एक है फिक्स्ड कंसिडरेशन या फिक्स्ड कंपोनेंट दैट इज 360 मिलियन और एक है हमारे पास वेरिएबल कंसिडरेशन दैट इज 54 मिलियन। तो 360 मिलियन की फिक्स कंसिडरेशन है और 54 मिलियन की वेरिएबल कंसिडरेशन है, तो टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की हो जाएगी 414 यूनिट्स। अच्छा नंबर ऑफ व्हीकल्स हमें कितने डिलीवर करना है, नंबर ऑफ व्हीकल्स हमें डिलीवर करना है 180। तो अगर हमारे पास ट्रांजेक्शन प्राइस पर व्हीकल कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 414 / 180 2.3 का। अब इस 2.3 का ब्रेकअप क्या है कि 2.3 में से 2 मिलियन फिक्स्ड है और 0.3 बेसिकली वेरिएबल है। अगर आप 54 को डायरेक्ट 180 डिवाइड करेंगे तो आप 0.3 वेरिएबल कंपोनेंट कैलकुलेट करो। तो पहले तो हम ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट ट्रांजेक्शन प्राइस का पोस्टमार्टम करके इसको हमने अलग कर दिया। अब कहता है कि कस्टमर हमें 20% एडवांस में पे कर देगा, कस्टमर हमें 20% एडवांस में पे करेगा 1 अक्टूबर पे। तो हमारे पास 1 अक्टूबर 2023 पे क्या जनरल एंट्री बनेगी, 1 अक्टूबर 2023 पे हमारे पास जनरल एंट्री बनेगी कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्यों क्रेडिट, क्योंकि अभी तो हमने डिलीवरी की नहीं है, पहले डिलीवरी पहली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी 31 दिसंबर पे। और कस्टमर में कितना अमाउंट एडवांस में पे कर रहा है, कस्टमर हमें 20% एडवांस में पे कर रहा है इस 360 का 20%, तो 360 का 20% 72 हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 360 इंटू
20%। अब जब हम कस्टमर को डिलीवरी करेंगे उस वक्त कस्टमर हमें टू टू के हिसाब से पे करेगा, सॉरी टू के हिसाब से पे करना है, लेकिन टू का भी 20% वो हमें ऑलरेडी पे कर चुका है, तो वो हमें 80% पे करेगा, 80% इनवॉइस जनरेट होगी, पेमेंट तो वो अगले 15 दिन के अंदर करेगा। हमसे इन्होंने पूछा कि आपने सिर्फ ईयर एंड तक की इम्प्लीकेशन बतानी, तो हम ईयर एंड तक की बात करेंगे। 31 दिसंबर 2023 पे हमने 50 यूनिट्स डिलीवर की, 31 दिसंबर 2023 पे हमने 50 यूनिट्स डिलीवर किया, तो 31 दिसंबर 2023 पे हमने 50 यूनिट्स डिलीवर किए, तो हमारे पास 50 यूनिट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, और रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा हमारे पीएनएल में। कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा? 50 यूनिट्स, और हर यूनिट्स के अगेंस्ट हमने ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी कैलकुलेट की है? 2.3। तो हमारे पास 50 × 2.3 के हिसाब से रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। अब कुछ अमाउंट हमारा रिसीवेबल है, कुछ अमाउंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी से एडजस्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी से कितना अमाउंट एडजस्ट होगा? देखें, 50 यूनिट्स के अगेंस्ट जो 2 मिलियन पर यूनिट की कंसिडरेशन थी, इसका 20% हम एडवांस में रिसीव कर चुके, तो ये एडवांस से एडजस्ट होगा, तो 50 × 2 × 20% आ जाएगा, 50 × 2 × 20%, और बाकी इस 2 का जो 80% है, बाकी जो इस 2 का 80% है वो हमारे लिए रिसीवेबल है, जो मैं अगले 15 दिन में रिसीव होगा, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल कितना? 50 × 2 × 80%। मैं रिपीट करता हूं, हमें पहले इस 360 मिलियन इस 180 व्हीकल के अगेंस्ट 2-2 रुपए के हिसाब से जो फिक्स कंसीडरेशन थी 360 मिलियन, इसके 20% एडवांस मिल गया, तो अब हर लॉट पे 20% का एडवांस एडजस्ट होगा। तो मैंने पहली लॉट डिलीवर की 31 दिसंबर पे, तो 50 यूनिट का हमने 2.3 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, 2.3 में से जो 2 का 20% है वो हमें एडवांस में मिल गया, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एडजस्ट किया, बाकी का जो 80% है वो हमें अगले 15 दिन में रिसीव होगा, तो 50 × 2 × 80%। अब बाकी का जो 0.3 का अमाउंट है, बाकी का जो 0.3 का अमाउंट है ये हमें मिलेगा जब डिलीवरी की जो डेडलाइंस है वो मीट करेंगे, यानी कि कंडीशनल है, कंडीशनल है किस चीज पे? जब हम इन तीनों डिलीवरी की डेडलाइंस मीट करेंगे, हमें लगता है कि हम इसे पूरा कर लेंगे, हाईली प्रोबेबल है, लेकिन ये कंडीशनल है, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितनी अमाउंट से? 50 × 0.3 मिलियन पर यूनिट, ये आ जाएगा 50 × 0.3 15। इन तीनों डेबिट्स का अगर आप टोटल लिखेंगे तो ये आपके पास 115 ही बन रहा है। तो हमने 20% कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को एडजस्ट किया, 80% फिक्स कंसीडरेशन के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया, और वेरिएबल कंसीडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट एसेट में पार कर दिया, और अपने पास रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया। एक और चीज उन्होंने बताई है कि उन्होंने बोनस भी रिवॉर्ड किया था अपने इंप्लॉइज को इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने में, यानी कि जब भी बोनस अलॉट किया था तब हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और इंक्रीमेंटल है, बोनस दिया ही इसीलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया, तो ये एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये ऐसा एसेट कैपिटलाइज हो जाएगा 21 और कैश क्रेडिट 21। अब जब आपने 180 यूनिट्स में से 50 यूनिट्स डिलीवर कर दिए, 50 यूनिट्स की रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, तो 50 यूनिट्स के हद तक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को भी एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, पीएनएल में डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 21 की अमाउंट है 50 यूनिट्स के 180 यूनिट्स के अगेंस्ट, और हमने 50 यूनिट डिलीवर कर दिए, तो 21 × 50 / 180 इतना अमाउंट हमें एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए, अमोर्टाइज कर देना चाहिए, तो 50 × 21 × 50 / 180 5.83 से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अमोर्टाइज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एज एट 31 दिसंबर 2023 हमारी बैलेंस शीट पे क्या क्या चीजें नजर आएंगी, तो 31 दिसंबर 2023 पे हमारी बैलेंस शीट पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी नजर आ रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल भी नजर आ रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट भी नजर आ रहा होगा, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी नजर आ रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में कितना नंबर आएगा? हमने 72 की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी जिसमें से 20 रिवर्स हो गया, तो 52 का कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। रिसीवेबल में हमें 80 का कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल नजर आएगा जो 15 दिन बाद यानी कि 15 जनवरी में रिसीव होगा। कॉन्ट्रैक्ट एसेट में वेरिएबल कंसीडरेशन जो कि डेडलाइन मीट होने पे, तीनों डेडलाइन मीट होने पे अगस्त के महीने में मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में हमने 21 रिकॉर्ड किया लेकिन 5.83 अमोर्टाइज करके कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करते हैं, तो ये नंबर हमारे बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। हम चलते हैं इसके आईकेएफ पे सजेस्टेड सॉल्यूशन की तरफ। तो कहता है the amount of 72 million, the amount of 72 million that is 360 का 20% would be initially recorded as contract liability। हमने भी इसे initially contract liability के तौर पर record किया।
कंपनी शुड इंक्लूड 54 मिलियन एडिशनल कंसिडरेशन इन द ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज हाईली प्रोबेबल दैट टीम विल अचीव दिस डिलीवरी डेट। कह रहे जो 54 मिलियन की कंसिडरेशन है वेरिएबल कंसिडरेशन, इसी भी आप ट्रांजेक्शन प्राइस का पार्ट बनाओगे क्योंकि हाईली प्रोबेबल है हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। सो रेवेन्यू ऑफ 2.3 मिलियन शुड बी रिकॉग्नाइज अपॉन डिलीवरी ऑफ ईच व्हीकल। तो हर यूनिट की ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी आ गई 2.3 मिलियन। रेवेन्यू ऑफ 115 मिलियन दैट इज 15 × 2.3 वुड बी रिकॉग्नाइज अपॉन फर्स्ट लॉट ऑफ 50 व्हीकल ऑन 31 दिसंबर। फर्स्ट लॉट पे हम 50 यूनिट का 2.3 के हिसाब से 115 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। बट डेबिटिंग रिसीवेबल ऑफ 80 मिलियन, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ऑफ 20 मिलियन एंड कॉन्ट्रैक्ट एसेट ऑफ 15 मिलियन। तो रिसीवेबल हमने डेबिट किया 80 से, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट किया 15 से और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट किया 20 से। कहता है कंपनी शुड ऑल्सो रिकॉग्नाइज एन एसेट फॉर द कमीशन टू सेल्स एम्प्लॉइज ऑफ 21 मिलियन बिकॉज इट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड थ्रू फ्यूचर डिलीवरीज। तो जब भी हमने ये पे किया होगा तो हमने इसको एज एसेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। दिस कॉस्ट शुड बी अमोर्टाइज ऑन सिस्टमेटिक बेसिस ओवर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एन अमाउंट ऑफ 7 मिलियन दैट इज 21 इंटू 7 अपॉन 9 और 5.83 मिलियन 21 इंटू 50 अपॉन 3। या तो इस 21 के अमाउंट को आप टाइम बेसिस पे प्रोपोर्शनली अमोर्टाइज करें या डिलीवरी बेसिस पे अमोर्टाइज करें। मैंने इसे डिलीवरी के बेसिस पे अमोर्टाइज किया था तो 5.83 आ रहा था 21 मिलियन इनटू 50 अपॉन 180 व्हीकल्स। सो शुड बी एक्सपेंस आउट। एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट टीएल मे रिकॉग्नाइज इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड एज द अमोर्टाइजेशन पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। अच्छा एक बात यहाँ पे इन्होंने एडिशनल ये भी कही है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का टोटल ड्यूरेशन है ना वो एक साल से कम का है तो आप सारी के सारी 21 के अमाउंट को इमीडिएटली भी एक्सपेंस आउट कर सकते हो। ये हमारे पास एक सिंपल सी एडजस्टमेंट थी 8 मार्क के वेरिएशन एडजस्टमेंट की। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या था, ऑन 1 नवंबर 2023 कंपनी एंटर्ड इनटू अ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान टू मॉडिफाई द टर्म ऑफ अ लोन विद अ बैंक। अकॉर्डिंग टू द प्लान टीएल विल मेक अ सिंगल पेमेंट ऑफ 660 मिलियन ऑन 31st October 2028 इंस्टेड ऑफ ओरिजिनली शेड्यूल्ड पेमेंट्स। The market interest rate at the time of researching was 12% per annum and a fee of 15 million was paid for the researching plan. On the researching date, the carrying amount of the original loss was 430 million with an effective interest rate of 14% per annum. The original loan was repayable in equal annual installments due in arrears with final payment on 31st October 2028. Dekho kya keh raha hai. 1st November 2023 pe hamare paas ek loan aa raha hai jiski carrying value 430 million hai. To hamare paas एडजस्टमेंट नंबर टू 1 नवंबर 2023 पे नंबर्स अवेलेबल है। हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ रही है, कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन 1 नवंबर 2023 पे हमारे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन है 430 मिलियन। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 14%। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 14%, यानी कि जो भी लोन के कैश फ्लोज हैं जिन्होंने बताया कि ओरिजिनली 31 अक्टूबर 2028 तक इक्वली में पे करना है, इससे प्रोसीड फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो अमोर्टाइज कॉस्ट कैरिंग वैल्यू आ गई 430। हम कह रहे हैं 1 नवंबर 2023 पे ये लोन रिस्ट्रक्चर हुआ और प्लान के हिसाब से हम सिंगल पेमेंट करेंगे 760 मिलियन की। तो मॉडिफाइड टर्म्स के हिसाब से हमें सिंगल पेमेंट करनी है ऑन कब, हमें सिंगल पेमेंट करनी है 760 मिलियन की 31 अक्टूबर 2028 पे 760 मिलियन की। और द मार्केट इंटरेस्ट रेट हमारे पास मार्केट इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है दैट इज 12%। कहता है हमने एक मॉडिफिकेशन फी भी पे करनी है 15 मिलियन की फॉर द रिसर्चिंग प्लान, और हम एक मॉडिफिकेशन फी पे करेंगे 15 मिलियन की। चूंकि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की मॉडिफिकेशन है तो पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है या अदर देन सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है। क्योंकि अगर ये सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है तो फिर हम एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को डीरिकॉग्नाइज कर देंगे, नई लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। और अगर ये नॉट सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है तो यहाँ पर फिर हम एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को डीरिकॉग्नाइज नहीं करेंगे बल्कि मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कैश फ्लोस यूजिंग अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करता हूं। मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूं मॉडिफाइड कैश फ्लोस की यूजिंग अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। किस तरीके से, एक तो हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 760 मिलियन जो 760 मिलियन की पेमेंट करनी है, करनी पेमेंट 31 अक्टूबर 2028 पे, तो 760
डिवाइडेड बाय 1.14 इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से इसको डिस्काउंट करेंगे, और कितने साल पे डिस्काउंट करेंगे? अभी हम 1 नवंबर 2023 पे, तो 1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2024, 25, 26, 27, 28, 1 नवंबर 2023 पर हम हैं। 1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2024 एक साल, 25 2 साल, 26 3 साल, 27 4 साल और 28 5 साल, रेशियो टू पावर 5। हमने 760 को डिवाइड कर दिया 1.14, दैट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट रेशियो टू पावर 5। और एक मॉडिफिकेशन फी है जो कि हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, वो कितना पे कर रहे हैं? 15 मिलियन। तो ये हमारे पास मॉडिफाइड कैश फ्लोस की, हमारे पास मॉडिफाइड कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं मॉडिफिकेशन परसेंटेज। मॉडिफिकेशन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कैश फ्लोस कंपेयर्ड विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कैश फ्लोस विद एग्जिस्टिंग इफेक्टिव रेट यानी कि कैरिंग वैल्यू, और जो भी ये नंबर आया इसे हम डिवाइड कर देंगे अपने लोन की कमोडाइज कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट से ही। तो ये कितना था? 430। तो मैंने 409 में से 430 माइनस किया और 430 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास परसेंटेज टर्म में अगर हम देखें तो ये बन रहा है 4.72%। चूंकि मॉडिफिकेशन परसेंटेज लेस देन 10% है, तो इसका मतलब है कि यहां पे हमने मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करनी है। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में क्या होगा कि मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में सबसे पहले आप लोन की कैरिंग अमाउंट को इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 760 मिलियन पे लेकर आओगे। तो यानी कि 1 नवंबर 2023 पे आप अपने पास एक एंट्री बनाओगे, आपने लाइबिलिटी के नंबर को 430 से कम करके 394 पे लाना है ना, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट 430 माइनस 394 और मॉडिफिकेशन गेन पीएनएल में क्रेडिट, हमने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 430 माइनस 394.72, 35 का मॉडिफिकेशन गेन आ गया। इससे पर जो मॉडिफिकेशन फी हमने पे की है ये भी कैपिटलाइज हो जाएगी, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट 15 रुपए से। यानी कि ये सब कुछ करने के बाद 1 नवंबर पे हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 394 माइनस 15, हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 379.72, क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन गेन रिकॉर्ड किया तो हमारी लाइबिलिटी 394 पे आ गई, फिर हमने फाइनेंशियल लाइबिलिटी को मजीद 15 से डेबिट किया तो कैरिंग अमाउंट आ गई 379.72। यानी कि यहाँ पे न्यू IRR नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, हमें एक नया IRR कैलकुलेट करना पड़ेगा जो हमारी इस मॉडिफिकेशन फी को, जो हमारी इस मॉडिफिकेशन को फी को आने वाले 5 सालों में अनवाइंड करवा दे। नया IRR भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखिए कैसे। हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है, S=P 1 + i^n। हमने सिंपल सा फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू को फॉर्मूला पढ़ा है, S=1 + i^n। अब हमारे पास फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज 760 मिलियन। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज 379.72। हमारे पास n अवेलेबल है 5 इयर्स। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एक्सेल में भी सॉल्व कर सकता हूं मैं डायरेक्टली इसे, कैसे? 1 - 760/379 रेज टू द पावर 5। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा रेज टू द पावर 5 नहीं होगा, रेज टू द पावर 1/5 इयर्स होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14% लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट को बिल्डिंग करने के बाद जो हमारा IRR आएगा वो आएगा 14.89%। कैलकुलेटर में थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है, एक्सेल में भी मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये हमारे पास 14.89% आ रहा है। अब इस IRR के हिसाब से आप ईयर एंड पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे तो 31 दिसंबर 2023 पे
आपके पास सिर्फ एक इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी, क्योंकि पेमेंट तो आपने 5 साल बाद करनी है ना। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कितनी अमाउंट्स है हमारे पास। फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट है 379.272 मल्टीप्लाई बाय 14.89 मल्टीप्लाई बाय नवंबर दिसंबर, 2 महीनों का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना, तो 2/12 सिर्फ 2 महीनों का इंटरेस्ट 9.42 का ईयर एंड पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इसका आईकेप का सोल्यूशन भी देख लेते हैं। कहता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द न्यू अरेंजमेंट शुड बी कंप्यूटेड यूजिंग द ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। हमने भी न्यू अरेंजमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड डेट इज 394.7, ये हमने भी कैलकुलेट किया था 394.7। एंड आफ्टर इंक्लूडिंग रिसर्चिंग फी ऑफ 15 मिलियन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द न्यू अरेंजमेंट इज 409। इसमें जब हमने मॉडिफिकेशन फी ऐड की तो ये बन गया 409। दिस रिप्रेजेंट्स 95.3% ऑफ द करंट कैरिंग अमाउंट एज द डेट एज एट द एंड ऑफ 2020 ऑफ रुपीज 430 मिलियन। देखिए 1 नवंबर 2000, यहाँ डेट इन्होंने शायद गलत मेंशन कर दी है। 1 नवंबर 2023 पे 430 का कैरिंग अमाउंट था, जब हमने 423 और 409 को कंपेयर किया तो हमारे पास 4.72 का परसेंटेज आया। सो द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मॉडिफाइड लोन डिस्काउंटेड एट द इफेक्टिव रेट ऑफ ओरिजिनल लोन इज 4.7% डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ओरिजिनल लोन। दिस इज लेस देन 10%, सो द मॉडिफिकेशन इज नॉट ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड एज एक्सटिंग्विशमेंट अंडर आईएफआरएस 9। तो यहाँ पे हम एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग नहीं करेंगे बल्कि मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करेंगे। सो एन इमीडिएट गेन और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड द लायबिलिटी इज नॉट डी रिकॉग्नाइज्ड। लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज नहीं करना, बस मॉडिफिकेशन गेन और लॉस रिकॉर्ड करना है। इन दिस सिचुएशन दिस वुड रिजल्ट इन द रिकॉग्निशन ऑफ गेन ऑफ 35.3। तो हमारे पास मॉडिफिकेशन गेन आया था 35.28 या 35.3, दैट इज 430 माइनस द करंट कैरिंग वैल्यू लेस 394 रिकैलकुलेटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्सक्लूडिंग फीस। द फी वुड देन रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी टू 379, दैट इज 394 माइनस लेस 17। फिर हमने मॉडिफिकेशन फी को कैपिटलाइज किया तो हमारी लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू आ गई 379.72। दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट टू 14.9%। हमने नया आईआरआर कैलकुलेट किया 14.89%। द रेट विच वुड रिड्यूस 760 टू 379 इन 5 ईयर। इस रेट से होकर क्या कि ये जो 379.72 की लायबिलिटी है ये 5 साल के बाद 760 बन जाएगी, विच विल बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा सवाल था जिसमें हमें डिस्कशन करनी थी, लेकिन डिस्कशन करने के लिए ऑब्वियसली हमें नंबर्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे, और नंबर्स कैलकुलेट कर लिए चीजें समझ आती है तो हम अकॉर्डिंगली यही बातें सारी अंग्रेजी में ड्राफ्ट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।